भारत ने खरीदा ऐसा हथियार, जानकर कांपने लगे चीन और पाकिस्तान। हथियारों के जखीरों में अब भारत की तूती भी बोलेगी। भारत करेगा अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन का निर्माण। इसराइल ड्रोन पर आया मोदी जयशंकर का मन, कहा भारत को युद्ध के लिए ऐसे ही ड्रोन चाहिए। भारत ने ड्रोन में भी शुरू की मेक इन इंडिया की स्कीम, चीन को उसके खेल में ही देगा जवाब। तुर्की और ईरान ने यूक्रेन रूस में मचाई तबाही, अपने अपने ड्रोन से दुनिया को बताया अपना हुनर। क्या भारत भी बनाएगा खुद का ड्रोन? मोदी ने दिया जयशंकर को अल्टीमेटम। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत के दो शक्तिशाली पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान। आजादी के बाद से भारत के लिए पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सुरक्षा हमेशा चिंता का विषय रहा है। भारत के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें अपनी रक्षा के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में बहुत मेहनत की है। इसके अलावा हाल ही में जयशंकर से बोलकर मोदी ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता भी करने की बात कही है। इसे पता चलता है कि मोदी भारत देश की रक्षा के लिए नवीनतम हथियारों के महत्व को समझते हैं और वो चीन को बॉर्डर पर भगा भगा कर मारना चाहते हैं ताकि उनकी फिर से हिम्मत न हो भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने की। तो दोस्तों, अगर बात करें प्रीडेटर ड्रोन की, तो उसके साथ अमेरिका ने भारत के लिए इस क्षेत्र में उन्नत निगरानी क्षमताओं के साथ साथ दूर से लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता को पॉसिबल बना दिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने भारत को दो ड्रोन दिए थे जो हिंद महासागर में ड्रैगन की नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए नौसेना की मदद करने में पहले से ही काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसके अलावा बातें करें तो भारत ने समुद्री क्षेत्र की निगरानी में मदद करने के लिए 12 अमेरिकी P-ATAC पनडुब्बी एंटीवार और निगरानी विमान भी खरीदते हैं और फ्यूचर में भारत की अमेरिका से और ड्रोन हासिल करने की योजना है, क्योंकि भारत के बॉर्डर पर बढ़ते हुए तनाव के बीच भारत को जरूरत है कुछ अच्छे ड्रोन्स की और इसके लिए भारत ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐसे में ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि भारत अब एक पावरफुल ड्रोन खरीदने में इतनी रुचि क्यों रख रहा है, लेकिन खास रूप से जब दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं तो कम लागत में भारत को मिल सकते हैं, फिर भी उसे अमेरिका ड्रोन की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों, यहाँ पर हमारा सीधा सीधा इशारा इसराइल के इजरायली ड्रोन हेरोन की तरफ है। आज के समय में इसराइल की टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे टॉप माना जाता है। ऐसे में इसराइल अपने देश में भी फिलिस्तीनियों पर एक नजर रखने के लिए हेरोन ड्रोन को सबसे भरोसेमंद मानता है। उनकी निगरानी के मामले में आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है। इसराइल के हेरोन ड्रोन उपग्रह के संचार माध्यम की मदद से 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और कई तरह के मिशन को अंजाम भी दे सकता है। इस मिसाइल ड्रोन में ऑटोमेटिक टैक्सी टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक है और ये सभी तूफान, बारिश या किसी भी वेदर फोरकास्ट में उड़ सकता है। इसी ड्रोन के नए मॉडल में इसकी एंटी जैमिंग कैपेसिटी में भी काफी सुधार किया है और इसे समय के साथ लगातार अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इसलिए भारत भी काफी समय से हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भारत अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रीपर लेने की सोच रहा है। अगर दोस्तों इस अमेरिकी ड्रोन की बात करें तो MQ-9 रीपर MQ-9B ड्रोन का एक प्रकार है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने ओसामा के बाद सबसे बड़े आतंकवादी अल जवाहरी को मारने के लिए किया था। ऊंचाई वाले इलाके में भी ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसे अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने विकसित किया है। ये 4 हेलफायर मिसाइल और 450 किलोग्राम वजनी हथियार ले जाने में सक्षम है। ड्रोन की रेंज 1900 किलोमीटर है, इसलिए अमेरिका की ड्रोन कई प्रकार के कामों के लिए हर तरह से काफी पावरफुल उपकरण है और इसका इस्तेमाल हमारी आर्मी निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और चीन और पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसका हार्ड ट्रैक रडार सिस्टम खुद को या लक्ष्य को नुकसान या चोट के जोखिम के बिना आसानी से लक्ष्यों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम है। लेकिन इससे सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए कौन सा सबसे अच्छा है? तो अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो मानो कि अगर आप भारत की आर्मी के लिए एक इंसानी हवाई वाहन की तलाश कर रहे हैं जो लक्ष्य को देख और नष्ट कर सकता है, तो अमेरिकी शिकारी ड्रोन महंगा है, लेकिन इजरायली हेरोन ड्रोन बहुत सस्ता है और इसे केवल $35 मिलियन पर यूनिट में खरीदा जा सकता है। इसलिए यदि आप एक हवाई वाहन की तलाश कर रहे हैं जो बहुत अधिक नुकसान कर सकता है, तो हेरोन निश्चित रूप से भारत के लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में एक और सवाल उठता है कि जब भारत देश में सुई से लेकर ट्रेन तक सब कुछ बना रहा है, तो जब हम अपना बना सकते हैं तो हम अमेरिका या इसराइल से ड्रोन क्यों खरीदना चाहेंगे? भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम हमें ज्यादा रोजगार देने और बड़े स्केल में इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद कर रहा है, इसलिए भारत ने भी अब मेक इन इंडिया पर ध्यान शुरू कर दिया है और ड्रोन भी मेक इन इंडिया की स्कीम में बनना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत अपने पुराने अच्छे दोस्त इसराइल की मदद ले रहा है।
ऐसे में देखा जाए तो भारत आर्मी और मोदी भी यही मानते हैं कि भारत को पावरफुल ड्रोन का डिजाइन और प्रोडक्शन करना ही भारत के हित के लिए सबसे अच्छा है। ऐसे में मेरा भी मानना है कि इससे भारत को अपनी उन्नत तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। इसलिए भारत अब ड्रोन का निर्माण भी एक इजरायली रक्षा निर्माता के साथ साझेदारी में बनाने जा रहा है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन अच्छे से बन पाए हैं, हथियारों का इम्पोर्ट बंद करने की प्रायोरिटी दी है ताकि भारत में सभी हथियार भारत में बने हैं। यह नीतिगत बदलाव देखा जाए तो पीएम ऑफिस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इशारों पर लिखा गया है, ताकि भारत अपने दम पर हथियार बनाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करे। वहीं अगर अब बात करें यूक्रेन और रूस के युद्ध की, तो यूक्रेन और रूस के अलावा दो देश और काफी चर्चा में है। एक है ईरान और दूसरा है तुर्की। दोनों के ड्रोन्स का यूक्रेन और रूस के युद्ध में काफी इस्तेमाल हो रहा है। रूस की शक्तिशाली तोप यूक्रेन युद्ध में सफल साबित हो रही है और यूक्रेन के बंदूकधारियों के सामने उनको खदेड़ने के लिए रूसी सैन्य रंगों ने चित्रित ईरानी ड्रोन का उपयोग करने का सहारा लिया है। इस युद्ध में इन ड्रोन का बड़े प्रभाव से उपयोग किया जा रहा है। रूस ने पहले यूक्रेनी रडार सिस्टम को डीएक्टिव कर दिया गया है और इसके बाद यहां तक कि यूक्रेनी तोपों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ ईरानी ड्रोन खतरनाक हैं, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले में शाहिद 156 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक वार से कई लोगों की जान लेने की क्षमता रखता है। यूक्रेन युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूसी सेना ईरानी ड्रोन से हमला कर रही है। ईरानी इस ड्रोन को आत्मघाती ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता से दुश्मन सेना की रूह कांप जाती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन निर्देश दिए जाने के बाद तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के खिलाफ अपने युद्ध में बायकाटार TB2 नाम के एक तुर्की लड़ाकू ड्रोन का उपयोग कर रहा है। ये ड्रोन तेल से भरी गाड़ियों को उड़ाने में काफी मददगार साबित हुआ है, जो रूसी सेना की लड़ने की क्षमता को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी मीडिया ने बताया है इस ड्रोन के द्वारा खार्किव के पास रूसी सैनिकों की पूरी एक बिल्डिंग को खत्म कर दिया गया था। इससे ये पता चलता है कि यूक्रेन के जखीरे में बायकाटार TB2 एक शक्तिशाली हथियार है। इस नए नाम से पूरी रूस की सिराओं में खौफ फैल गया है। आसमान में उड़ते इस ड्रोन की आवाज जब दुश्मन तक पहुंचती है तो वो डर जाता है और रूसी सैन्य अपने उपकरणों को छोड़कर और डर के मारे भाग जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो दोनों ही ड्रोन यूक्रेन और रूस के युद्ध में काफी तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में अब भारत को भी इनसे सबक लेकर अपनी बॉर्डर सेफ्टी को मजबूत कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।